ओम नमः शिवाय। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है और ये हिमालय की श्रृंगारी चोटी केदारनाथ के पास स्थित है। आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। ये मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान शिव के अंतर्यामी रूप को समर्पित है। ये शिव पुराण में उल्लेखित चार धामों में से एक है और चार धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा भी। आइए जाने कुछ बातें केदारनाथ मंदिर के बारे में इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुभव है। यह यात्रा कठिन होती है क्योंकि मंदिर 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जी हाँ, श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है और उन्हें ट्रैकिंग करके मंदिर तक पहुंचना पड़ता है। केदारनाथ मंदिर बहुत भव्य है और प्राचीन भी। इसमें रंगीन गोपुरम, सुंदर संगमरमर से बनी मुख्य द्वारपालों की मूर्तियाँ और मंदिर के अंदर स्थित प्राचीन शिवलिंग पाए जाते हैं। मंदिर का परिसर प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है और इसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक। आज का विज्ञान बताता है कि केदारनाथ मंदिर शायद 8वीं शताब्दी में बना था। यदि आप ना भी कहते हैं तो भी ये मंदिर कम से कम 1200 वर्षों से अस्तित्व में है। केदारनाथ की भूमि 21वीं सदी में भी बहुत प्रतिकूल है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराच कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। इन तीन पर्वतों से होकर बहने वाली पांच नदियां हैं, मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी। इनमें से कुछ इस पुराण में लिखे गए हैं। ये क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रहण क्षेत्र है। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मंदिर एक कलाकृति है। जी हाँ, कितना बड़ा असंभव कार्य रहा होगा ऐसी जगह पर कलाकृति जैसा मंदिर बनाना, जहाँ ठंड के दिन भारी मात्रा में बर्फ हो और बरसात के मौसम में बहुत तेज गति से पानी बहता हो। आज भी आप गाड़ी से उस स्थान तक नहीं जा सकते। फिर इस मंदिर को ऐसी जगह क्यों बनाया गया? ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में 1200 साल से भी पहले ऐसा मंदिर कैसे बन सकता है? 1200 साल बाद भी जहां उस क्षेत्र में सब कुछ हेलीकॉप्टर से लाया जाता है, जेसीबी के बिना आज भी वहां एक भी ढांचा खड़ा नहीं होता, ये मंदिर वही खड़ा है और ना सिर्फ खड़ा है बल्कि बहुत मजबूत है। दोस्तों, आज विज्ञान कहता है कि मंदिर के निर्माण में जिस पत्थर और संरचना का इस्तेमाल किया गया है तथा जिस दिशा में वह बना है, उसी की वजह से ये मंदिर 2013 की भयंकर बाढ़ में बच पाया। केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण के रूप में बनाया गया है, जबकि भारत में लगभग सभी मंदिर पूर्व पश्चिम हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि मंदिर पूर्व पश्चिम होता तो पहले ही नष्ट हो चुका होता या 2013 की बाढ़ में ज़रूर तबाह हो जाता, लेकिन इस दिशा की वजह से केदारनाथ मंदिर बच गया। दोस्तों, ये मंदिर की यात्रा एक सच्चे परिश्रम का प्रतीक है। ये श्रद्धालुओं के लिए एक मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक चुनौती भी है। इसके अलावा यात्रा लोगों को ब्रह्मचर्य, तपस्या और दया के गुणों को सीखने का अवसर प्रदान करती है। यात्रा की शुरुआत होती है गौरीकुंड से, जहां श्रद्धालुओं को गंगोत्री से निकली गंगा नदी के जल से स्नान करना होता है। इसके बाद करीब 14 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर चलना पड़ता है, जो उन्हें केदारनाथ मंदिर तक ले जाता है। ट्रैक पर श्रद्धालु घाटियों, पहाड़ियों, नदियों और वनों के माध्यम से गुजरते हैं और इस सफर में प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। केदारनाथ मंदिर में पहुंचने के बाद श्रद्धालु आराधना करते हैं, शिवलिंग के समीप बैठकर प्रार्थनाएं करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ एक शांत और पवित्रता से भरपूर वातावरण होता है। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। दोस्तों, आपको बता दें, केदारनाथ धाम की यात्रा उत्तराखंड की पवित्र छोटा पांच धाम यात्रा के महत्वपूर्ण चार मंदिरों में से एक है। छोटा चार धाम यात्रा हर वर्ष आयोजित की जाती है। केदारनाथ यात्रा के अलावा अन्य मंदिर बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए हर साल मंदिर के खुलने की तिथि तय की जाती है। खुलने की तिथि अक्षय तृतीया के शुभ दिन और महाशिवरात्रि पर हर साल घोषित की जाती है और केदारनाथ मंदिर की समापन तिथि हर वर्ष नवंबर के आसपास दिवाली त्यौहार के बाद भाई दूज के दिन होती है। इसके बाद मंदिर के द्वार शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने भी दर्शन किए हैं केदारनाथ मंदिर के? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।